गाना बजाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने जो प्रीव्यू में वीडियो देखा है नवरात्रि स्पेशल, आज हम उसी तरीके का वीडियो बनाने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को कर लें ऑन। सबसे पहले आपको अपना काइन मास्टर ऐप ओपन कर लेना है, क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, 9x16 की साइज को सिलेक्ट कर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक वीडियो को सिलेक्ट करना है बैकग्राउंड में, तो उस वीडियो का लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से डाउनलोड कर लें। इसी वीडियो में आपको सॉन्ग का लिंक सॉन्ग भी मिल ही जाएगा। तो आपको इस तरीके से इस वीडियो को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है और लेयर का ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक माता जी का PNG इमेज सेलेक्ट करना है, तो इस इमेज का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई और इमेज है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको सही से एडजस्ट कर यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर देना है इमेज को, और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा कर लेना है वीडियो के एंड तक। तो इस तरीके से कर लेने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो। अगर आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस वीडियो को देख कर आप सीख सकते हैं किस तरीके से फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। इस तरीके से फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको सही से एडजस्ट कर सेट करना होगा। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ सही से सेट यहाँ पर, और फोटो की ड्यूरेशन को बढ़ाकर कर लेना है वीडियो के एंड तक। तो इस तरीके से खींच कर ड्यूरेशन एंड तक कर देना है एंड स्टार्टिंग में आ जाना है। अब आपको फिर से लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक टेम्पलेट को कर लेना है सिलेक्ट। इस टेम्पलेट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इस लाइट इफेक्ट टेम्पलेट को इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको इसकी ऑडियो को म्यूट कर देना है और नीचे की साइड स्क्रॉल कर ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आ जाना है और इसकी सेटिंग को स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद बैक आ जाना है, लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक फ्लोवर वाले वीडियो को करना है सिलेक्ट। तो इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे की साइड चेक करना है, क्रोमा की का ऑप्शन दिया गया उस पर क्लिक कर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर बैक आ जाना है और लेयर पर क्लिक कर लेना है, मीडिया की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक वीडियो को करना है सिलेक्ट। इस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपको भी परेशानी आती है तो कमेंट कर दें। तो इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसको भी फुल स्क्रीन करना है और आपको इसकी ऑडियो को म्यूट करना होगा। ऑडियो म्यूट करने के बाद आपको क्रोमा की का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो आपको नीचे की साइड क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, और इसको इनेबल करना है। तो नीचे की कलर लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर आपको इसका कलर ग्रीन कर देना है। इस तरीके से कर लेने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। अब आपको बैक आ जाना होगा, अब लेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मीडिया के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपको एक वाइट बॉर्डर PNG फ्रेम को करना है सिलेक्ट। इस फ्रेम का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब इस फ्रेम को लगाने के बाद हमारा वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। हम प्ले कर चेक करेंगे किस तरीके से हमने वीडियो स्टेटस बनाया है। तो इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है मैंने और इसको फुल स्क्रीन करना है और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाकर कर लेना है वीडियो के एंड तक। अब हम प्ले कर देखते हैं किस तरीके से हमने स्टेटस वीडियो बनाया है। तो देखा दोस्तों, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया स्टेटस वीडियो बना दिया है। तो आप भी इसी तरीके से वीडियो बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।